हमारे साथ दीपाली तायड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार दलित मुद्दों पर वो अपनी राय रखती रही हैं, बड़े बड़े मंच शेयर करती रही हैं। आज का जो एक विश्व जो आज का एक महापरिनिर्वाण दिवस पर जो हताश होकर हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग यहाँ से गए हैं, उसके लिए हम दीपाली से पूछना चाहेंगे। दीपाली, क्या क्या मानसिकता है इन लोगों की? अगर आज दिवाली होती तो शायद ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नज़ारा कुछ और ही होता, लेकिन ये दलितों की बिल्डिंग है और दलित आज यहाँ पर आए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हर साल महापरिनिर्वाण दिवस हमारे लिए बहुत शोक का दिवस है। हमारे बाबा साहेब इस दिन नहीं रहे और ये हर एक दलित के लिए बहुत शोक का दिन होता है। और दूर दराज से देश के कोने कोने से लोग यहाँ हर साल इकट्ठा होते रहे हैं। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है कि हम लोग यहाँ पर सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं और अपना प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं बाबा साहेब को। लेकिन इस बार इन्होंने जो है, पहले तो ये मॉन्यूमेंट बनाया था कि संविधान की कलाकृति ये लोग तैयार करेंगे। अच्छा, जब अच्छा, बनाया गया तो यहाँ पर दीपाली, यहाँ पर एक सवाल उठता है जी। बाबा साहब यहाँ पर रहा करते थे जी, वो किस रूम में रहते थे, किस तरह रहते थे, उनका बाथरूम, उनका ड्राइंग रूम, उनका बैठने का तरीका, कहीं ना कहीं इन्होंने वो खत्म कर दिया है। सब कुछ खत्म किया है, ये हमारी धरोहर है, इन्होंने ये हमारी धरोहर को ही खत्म कर दिया है। चलते हुए बात करते हैं दीपाली थोड़ा सा जी, क्योंकि ये हमारी धरोहर थी। और बाबा साहेब ने अंतिम सांस कहाँ ली, वो कहाँ रहते थे, अंतिम दिन उनके कैसे गुजरे, इसको लेकर के जो भी जो हमारी पहले से धरोहर थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया। संविधान की कलाकृति के नाम पर इस पूरे एरिया को इन्होंने हथियाया, ना केवल हथियाया बल्कि आज इतना महत्वपूर्ण दिन था और इस मॉन्यूमेंट को लेकर के ये पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, ये पहला अवसर है। और पहले अवसर में ही सरकार ने अपने जो है वो इरादे जता दिए कि जो है इस मॉन्यूमेंट पर ताला जड़ा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं संविधान की कलाकृति है, पन्नों पन्नों के रूप में खांचे खींचे हुए हैं, लेकिन सब में लाइट तक, कम से कम लाइट तक नहीं जलाई गई। ओपन करना तो बहुत दूर की बात है। हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होता था, लोग आते थे, सारे लोग निराश होकर जा रहे हैं। और ये हमारी मांग है कि सरकार से भी और अपने बहुजन समाज से भी कि पहली बात तो ये कि हमको सबको बहुत कलेक्टिवली इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। हम दुख में हैं, श्रद्धांजलि बाबा साहेब को दे रहे हैं और आक्रोश में नहीं होते हुए भी हमारा गुस्सा इस बात को लेकर है कि सरकार ने इसे कैसे बंद किया। और ये हमारी भावनाओं के साथ जो है ये छेड़छाड़ है, हमारी भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। दीपाली, अगली बार से कम ऐसा ना हो। दीपाली, 2019 नज़दीक है, लोकसभा चुनाव पास में है, आप क्या बहुजन समाज के युवाओं को, उन नागरिकों को जो अपनी जिम्मेदारी समझते हो सरकार को बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी तानाशाह दलित विरोधी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए? आज का दिन बड़ा दुख वाला दिन है और ये दुख के साथ हमारे लिए संदेश का दिन भी है कि बाबा साहेब आज के दिन चले गए और ये कारवा हमारे हाथ में दे गए हैं। इस कारवा को बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं की है और आज तक जो भी स्थितियां पहले से सुधरी हैं, लेकिन अभी भी ये संतोषजनक स्थितियां नहीं हैं। इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि युवा जागृत हो, बहुजन समाज एकत्र हो, इस देश का दलित, आदिवासी, बहुजन तबका, अल्पसंख्यक तबका, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारी और महिलाएं सारे तबके एक साथ हों और इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि जो बाबा साहेब के सपनों का भारत है वो भारत समानता का भारत है, वो समता वाला भारत है, वो सामाजिक न्याय की बात करने वाला भारत है और वास्तविक लोकतंत्र वाला देश है, जो कि इस देश से इन सारी चीज़ों को, संविधान की मूल भावना को इस देश से मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है।